सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गैजेट गुरु में। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 40,000 जो कि आपके डे टू डे वर्क में काम आ सके? तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ टॉप 3 लैपटॉप्स जो कि आपको 40,000 के रेंज में देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप अपना नॉर्मल डे टू डे वर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो लैपटॉप आपको देखने को मिल जाता है उसका नाम है Asus VivoBook 14। इसमें आपको 14 इंच वाला फुल HD LED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इसके वेट की तो ये आपको 1.4 किलोग्राम का देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 4GB RAM DDR4 देखने को मिल जाता है, जिसे आप 12GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें आपको 512GB का SSD स्टोरेज देखने को मिल जाता है। अगर वहीं बात करें इसके OS की तो इसमें आपको 64 bits पे चलने वाला इंटीग्रेटेड विंडोज 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको इंटेल का कोर i3 10th जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इसके ग्राफिक्स की तो इसमें आपको इंटेल का इंटीग्रेटेड USD ग्राफिक देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें अगर इसके पोर्ट्स की तो इसमें आपको एक USB 3.2, दो USB 2.0, एक HDMI पोर्ट और एक माइक्रोफोन जैक देखने को मिल जाता है। इस लैपटॉप में आपको 5 to 6 hours का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इसकी वारंटी की तो इसमें आपको 1 year का वारंटी देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इसके प्राइस की तो ये आपको 41,990 रुपीज़ में देखने को मिल जाता है। लिस्ट में दूसरे नंबर पे जो लैपटॉप आपको देखने को मिल जाता है उसका नाम है HP 14S। इसमें आपको 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ये आपको 1.46 किलोग्राम का देखने को मिल जाता है। इसमें 8GB का DDR4 RAM देखने को मिल जाता है, जिसे आप 12GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर बात करें इसके स्टोरेज की तो इसमें आपको 256GB का SSD स्टोरेज देखने को मिल जाता है। अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो इसमें आपको 64 bits पे चलने वाला इंटीग्रेटेड विंडोज 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करें हम इसके प्रोसेसर की तो इसमें आपको इंटेल का कोर i3 11th जनरेशन देखने को मिल जाता है। अगर बात करें हम इसके ग्राफिक्स की तो इसमें आपको इंटेल का इंटीग्रेटेड UHD ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इसके पोर्ट्स की तो इसमें आपको दो USB टाइप ए, एक USB टाइप सी, एक 3.5mm का जैक और एक 3-in-1 माइक्रो SSD कार्ड रीडर देखने को आपको मिल जाता है। इसमें हमें 6 to 7 hours का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। अगर बात करें वारंटी की तो इसमें हमें 1 year की वारंटी देखने को मिल जाती है। अगर बात करें हम इसके प्राइस की तो ये हमें 40,990 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है। लिस्ट में पहले नंबर पे जो लैपटॉप आपको देखने को मिल जाता है उसका नाम है डेल इंस्पायरॉन। इसमें हमें 15.6 इंच का फुल HD LED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ये हमें 1.83 किलोग्राम का देखने को मिल जाता है। इसमें हमें 8GB का DDR4 RAM देखने को मिल जाता है, जिसे हम 12GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर बात करें हम इसके स्टोरेज की तो इसमें हमें
एक टीबी HDD स्टोरेज देखने को मिल जाता है। अगर बात करें हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें हमें 64 बिट्स पे चलने वाला इंटीग्रेटेड विंडोज 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर बात करें हम इसके प्रोसेसर की, तो इसमें हमें इंटेल का कोर i3 10th जनरेशन देखने को मिल जाता है। अगर बात करें हम इसके ग्राफिक्स की, तो इसमें हमें इंटेल का इंटीग्रेटेड USD ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। अगर बात करें हम इसके पोर्ट्स की, तो इसमें हमें 2 USB 3.2, 1 USB 2.0, 1 HDMI, 1 माइक्रोफोन जैक और 1 SD कार्ड रीडर देखने को मिल जाता है। इसमें हमें 6 टू 7 आवर्स की बैटरी बैकअप देखने को मिल जाती है। अगर बात करें हम इसके वारंटी की, तो इसमें हमें 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है। अगर बात करें हम इसके प्राइस की, तो ये हमें 39,475 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है। सभी लैपटॉप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट।